हेलो दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई कैंपस प्लेसमेंट का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो टाटा मोटर्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों इसमें 12th पास आउट और IIT पास आउट स्टूडेंट दोस्तों इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों 12th पास और IIT पास स्टूडेंट के लिए। दोस्तों मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी जो है 12th पास स्टूडेंट को दोस्तों इसमें लिया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों मैं जितने भी वीडियो बनाए हूँ सारे वीडियो में जो है दोस्तों IIT पास स्टूडेंट को लिया जाता था, लेकिन इसमें दोस्तों आपको 12th पास वालों को भी लिया जा रहा है। एंड इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को लिया जा रहा है दोस्तों, महिला पुरुष दोनों को दोस्तों इसमें लिया जा रहा है। दोनों इस कैंपस परसेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। उसके साथ जो है दोस्तों इसमें जो है सैलरी भी बढ़ाया गया है दोस्तों। पहले इसमें जो सैलरी दिया जाता था वो 12,800 रुपया दिया जाता था, लेकिन अभी जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 15,300 रुपया दोस्तों पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा दोस्तों इसमें आपको सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों। ये तत्काल नौकरी निकालिए दोस्तों, तत्काल आवश्यकता है लड़कों का, इसलिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग बस ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ऐसे कैंपस पर्सनों को आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों, आप लोग को जाना चाहिए। 12th पास वालों को तो दोस्तों मैं इसमें कहूँगा कि आप लोग जाइए जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों। फिर से आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी है नहीं, इसलिए आप लोग को इस कैंपस प्लेसमेंट को मिस नहीं करना चाहिए, आप लोगों को जाना ही चाहिए। क्योंकि IIT पास स्टूडेंट के लिए दोस्तों तो डेली कैंपस प्लेसमेंट लगती रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही कम लगती है दोस्तों। तो आपको तो ऐसे कैंपस प्लेसमेंट को मिस ही नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नीचे सारा कुछ दोस्तों मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर डिटेल्स में बताऊँगा कि कब कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही, कहाँ लगाई जा रही, क्या एज लिमिट रखा गया, क्या ट्रेड दिया गया, सारा कुछ दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से एंड दोस्तों इस वीडियो बने रहे, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए दोस्तों। आप अगर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ठीक से पढ़ते नहीं है दोस्तों, तब इस कैंपस प्लेसमेंट को मिस कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो में कि आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ा कीजिए, समझिए, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में जाइए, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं टाटा मोटर्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग टाटा मोटर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ये कंपनी दोस्तों सानंद गुजरात में, जो सानंद प्लांट में आपका जब लोगों से लिया जाएगा गुजरात में। यहाँ पे अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड इज एन इंडियन जो मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि ये पूरी इंडिया में दोस्तों नंबर वन पे है। और दोस्तों इसमें लग्जरी कार वगैरह, आप सभी जानते हैं ट्रक वगैरह जो भी है, सारा कुछ इसमें प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो 10th पास आउट और IIT पास स्टूडेंट दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो 12th पास वालों को दोस्तों जो है टाटा मोटर्स कंपनी में कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही लिया जा रहा दोस्तों। नहीं तो मैं इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, सारे वीडियो में दोस्तों मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि IIT पास स्टूडेंट को ही टाटा मोटर्स लेती है, लेकिन इस बार दोस्तों फर्स्ट बार जो है 12th पास आउट स्टूडेंट को भी लिया जा रहा है। तो 12th पास स्टूडेंट के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोगों को इस कैंपस प्लेसमेंट को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों को इस कैंपस प्लेसमेंट में जाना चाहिए। जो IIT ट्रेड यहाँ पे दिया गया है, ऑल 2 ईयर IIT ट्रेड वाले स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों। जो IIT वाले हैं, जो 2 साल का ट्रेड है वही केवल इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं, जिनका 1 ईयर का ट्रेड है या 6 महीने का ट्रेड है उनको इसमें नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही जाइएगा। और दोस्तों इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 200 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है, और जो जेंडर दिया गया यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, जो IIT किए हैं, चाहे महिला के हैं या पुरुष के हैं, दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। जो 12th पास वाले हैं उसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो कुछ दोनों के लिए ही अच्छा मौका है। और दोस्तों यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो नीम ट्रेनिंग के तहत आपको दोस्तों जॉब दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों नीम ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। नीम ट्रेनिंग में दोस्तों आपको 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसमें IIT वालों को पहले 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों, अप्रेंटिस करवाई जाती है। फिर 2 ईयर का जो है दोस्तों आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा 2 साल का। अगर आप पहले ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जाएगा। और जो 12th वाले हैं उनको भी 3 साल इसमें रखा जाएगा, और उनको भी सेम जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि नीम ट्रेनिंग क्या होता है। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो सानंद प्लांट गुजरात में आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। टाटा मोटर्स में यही होता है दोस्तों कि जो एज लिमिट है ना वो बहुत ही कम रखा जाता है, 23 साल से ज्यादा रखा ही नहीं जाता है। जिनका जैसा 23 वर्ष के बीच है वही इस कैंपस परसेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। अदर स्टूडेंट को जाने का जरूरत नहीं है, आप लोग अपना अपना एज लिमिट जो है दोस्तों काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा।
और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इसमें सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें सैलरी भी आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, 15,300 रुपये पर मंथ दोस्तों इसमें आपको सैलरी दिया जा रहा है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो एज पर कंपनी रूल के हिसाब से अच्छा बेनिफिट्स भी आपको दिया जाएगा, जैसे कैंटीन, बस, PFPS, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस जो भी होगा दोस्तों ये सारा कुछ आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ जो दोस्तों इसमें रूम नहीं दिया जाता है, रूम जो दोस्तों अपने से आपको लेना पड़ेगा। तो सैलरी बहुत ही अच्छा दिया जाता है दोस्तों, पहले इसमें आईटी वालों को सैलरी जो दिया जाता था वो 12,800 रुपया दिया जाता था, लेकिन इसमें आपको जो 15,300 रुपया दिया जा रहा है दोस्तों, तो इस बार सैलरी बढ़ाया गया है दोस्तों। जो डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो लेके जाना पड़ेगा आपको कैंपस प्लेसमेंट में, वो अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, और इन सब डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरोक्स कॉपी साथ में आपको लोग ले जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ जो है वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा ताकि वहाँ पे जाने पर कोई दिक्कत ना आप लोगों को दोस्तों। और दोस्तों जो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो डेट यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं, जो कि 20 सितंबर 2022 को कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। सुबह 10 बजे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं, कैंपस वेन्यू या इंटरव्यू एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जो सरदार पटेल प्राइवेट आईटीआई, जो सजोली केल हाट चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो आप लोगों को वहीं पे जाना पड़ेगा, 20 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे पहुंच जाना दोस्तों, कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, जाइए आप लोग इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।